नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे दुनिया में वह कौन है जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, केवल झूठ बोलता है, जिसका दोहरा नीति है, कहता कुछ और है करता कुछ और है, दोस्तों आपको बच्चा बच्चा बोल देगा कि वो चाइना है जो कहता कुछ है करता कुछ है। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी झूठ है। दुनिया में सबसे खतरनाक भारत का थिंक टैंक है दोस्तों, जो अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोलता है, अपने आप को बड़े बड़े विश्लेषक बोलता है कि हम दुनिया के बारे में जानते हैं, दोस्तों वो सबसे बड़ा महामूर्ख और गधा उसे हम मानते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आज तक बोल रहा था भारत RCEP ज्वाइन ना करे, दोस्तों भारत का थिंक टैंक आज से 2 महीना पहले क्या बोला था, भारत RCEP ग्रुप ज्वाइन ना करे भारत को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत का किसान बर्बाद होएगा, भारत तबाह हो जाएगा, भारत का इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, भारत का किसान बुरी तरह से बर्बादी के रास्ते पहुंच जाएगा। दोस्तों वही थिंक टैंक आज टीवी बैठ के टीवी डिबेट में चिल्लम चिल्ला कर रहा है, बोल रहा है कि हाय राम मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने RCEP ज्वाइन नहीं किया, भारत को डुबा दिया, भारत को बड़ा नुकसान होगा, भारत आखिरकार RCEP ज्वाइन क्यों नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे ये थिंक टैंक चित भी अपना चाहता है, पत भी अपना चाहता है कि मोदी कुछ भी करे उससे हम केवल दोषी ठहराए। दोस्तों जब मोदी चाह रहा था कि हम RCEP ज्वाइन करें, उस समय ये लोग चिल्ला रहा था कि भारत ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आज 15 नवंबर 2020 है और आज RCEP ज्वाइन हो चुका है, 15 देशों ने मिलकर RCEP ज्वाइन किया है। और बड़ी बात तो यह है कि RCEP भारत नकार दिया है, भारत ने RCEP से बाहर होने का पूरी फैसला ले लिया है। दोस्तों उस पर आज टीवी पे आखिरकार डिबेट क्यों हो रहा है, और आखिरकार जो अपने आप को बड़ा थिंक टैंक समझ रहा है और टीवी पे डिबेट कर रहा है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहा है, अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा है, दोस्तों उसका मैं पोल खोलूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार भारत को इस RCEP से भयंकर नुकसान हो रहा था। दोस्तों भारत बाल बाल बचा है, दोस्तों अब भारत के हाथ में सोने का अंडा लग गया है। दोस्तों बहुत बड़ा काम भारत ने यहाँ पर कर दिखाया है। बड़ी बात तो यह है कि अगर मान लीजिए मनमोहन सरकार होता, दोस्तों यहाँ पे मनमोहन सरकार को झुकना पड़ता, क्यों पता है, क्योंकि 14 देश का प्रेशर था। दोस्तों चीन यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत RCEP ज्वाइन नहीं करता है तो भारत के लिए इन 14 देश का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, भारत आखिरकार माल कहाँ बेचेगा, सामान कहाँ बेचेगा। दोस्तों मलेशिया ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आप कह सकते हैं कि RCEP के अंदर बड़ा राजनीति हुआ। दोस्तों यहाँ तक कि अपना मित्र जापान भी दोस्तों एक तरह से भारत को उलझाने की कोशिश किया, ऑस्ट्रेलिया भी किया। दोस्तों जापान भी यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत ज्वाइन नहीं करेगा तो हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ये केवल भारत को पुलहाने के लिए कहा था, भारत को मनाने के लिए कहा था, ताकि भारत जापान के बातों में आके RCEP ज्वाइन कर ले। दोस्तों यहाँ पे बड़ा गेम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ तक कह दिया था कि जब भारत RCEP ज्वाइन नहीं करेगा तो इससे RCEP का महत्व क्या रह जाएगा, RCEP का कोई मतलब ही नहीं है, जब तक भारत नहीं है तो RCEP का कोई मतलब नहीं है, भारत ज्वाइन करेगा तो हम करेंगे। लेकिन दोस्तों आखिरकार सबने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे भारत बहुत बड़ा दोस्तों षड्यंत्र से बच गया है। आप पूरा बड़ी देखिए और मैं समझाऊंगा आखिरकार भारत को किस प्रकार बड़ा फायदा अब होने वाला है। दोस्तों आप कहते हैं ना, आदमी को एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी देखना चाहिए, आप कहते हैं ना जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, दोस्तों यही चीज़ भारत के साथ हुआ है। दोस्तों भारत को अब तक का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आप कह सकते हैं कि एशिया में भारत को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरा बड़ी देखिए समझ आखिरकार क्या क्या अब होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं ये RCEP क्या था। देखिए दोस्तों RCEP में चीन का एक प्लान है। चीन का क्या प्लान है, चीन चाहता है कि RCEP नाम का एक ग्रुप बने जिसमें 16 देश हो। 16 देश कौन रहे दोस्तों, आसियान का 10 कंट्री। आसियान में हो गया दोस्तों थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यानी कि आसियान का तमाम 10 कंट्री, और उसके बाद जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया और भारत हो गया। दोस्तों इतना देश मिला के RCEP एक ग्रुप बनता, और बड़ी बात तो यह कि RCEP में टैरिफ मुक्त होता, यानी कि बिना किसी कस्टम ड्यूटी का सामान इधर से उधर जा सकता है, यानी कि कोई भी देश सामान कहीं भी भेज सकता है, यानी कि इन 16 देश में कहीं भी अपना सामान भेज सकता है। और बड़ी बात तो यह कि उस सामान पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगे, बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि कोई भी देश के सामान पे कोई टैक्स नहीं लगा, यानी कि चाहे जापानी सामान चीन में जाए, चीनी सामान जापान में जाए, चाइनीज सामान भारत में आए, यानी कि भारतीय सामान जापान में जाए, कोई भी देश किसी देश के सामान पे टैक्स नहीं लगाएगा, बिल्कुल ही फ्री व्यापार हो, यानी कि बिंदास जो प्रयास भारत में है वही प्रयास चीन में होगा, जो प्रयास चीन में है वही प्रयास भारत में होगा, यानी कि सेम टू सेम प्रयास पे काम होने का दोस्तों ये बात कर रहा था। और चीन भारत को ऑफर कर रहा था कि आपका अर्थव्यवस्था
बूम हो जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, यहाँ पे मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि भारत ने अब तक जो जो FTA साइन किया है ना दोस्तों, 2010 भारत ने आसियान कंट्री से FTA साइन किया था दोस्तों, उस समय भारत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन दोस्तों आज भारत नुकसान बहुत ज़्यादा से रहा, कह सकते हैं कि $10 बिलियन से अधिक का नुकसान भारत को हो रहा है। यानी कि जब से FTA साइन हुआ है आसियान कंट्री से, तब से दोस्तों हर साल $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। आप कह सकते हैं कि भारत ने जहाँ जहाँ FTA साइन किया है वहाँ वहाँ केवल नुकसान ही हुआ है। तो दोस्तों भारत साउथ कोरिया से FTA साइन किया है दोस्तों, भारत को नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ चीन चाह रहा था, भारत किसी भी तरह से हमारे जाल में फंस जाए और FTA साइन कर दे, यानी कि RCEP साइन कर ले और हम लोग बिंदास खूब कमाएंगे, भारत को लूट लेंगे, भारत पे जो भी कंपनी अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है सबको हम लोग दबा देंगे, मार के भगा देंगे, उसका कहानी खत्म कर देंगे, करियर खत्म कर देंगे, भारत का तो हम लोग खोखला बना देंगे, भारत में हम लोग राज करेंगे। दोस्तों यही सपना देख के तमाम कह सकते हैं डेवलप कंट्री, तमाम दोस्तों तरक्की की हुआ देश एक ग्रुप बने, वो जानता था, खासतौर पर जापान जानता है, साउथ कोरिया जानता है, दोस्तों छोटा सा देश जापान है, साउथ कोरिया छोटा सा है, चीन जानता है कि हम तो सामान खूब बना रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, लेकिन हम सामान बेचेंगे कहाँ। दोस्तों ये बात जापान और साउथ कोरिया चीन सब जानता है कि हम आखिरकार हम बेचेंगे कहाँ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जानता है कि हम तो एग्रीकल्चर सामान खूब बनाते हैं, आखिरकार हम बेचेंगे कहाँ। दोस्तों सबको एक ही उपाय दिख रहा था कि भारत है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पे 1,30,00,000 से अधिक जनसंख्या है, यहाँ पे सबका सामान बिकेगा। और दोस्तों इसलिए इन सारे देश ने ग्रुप बना के भारत को उसमें फंसाने का कोशिश किया था। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे चलो हम मान लेते हैं भारत को यहाँ पे नुकसान हो रहा था, तो आखिरकार भारत सरकार अचानक इस साल क्यों मना किया है, पहले क्यों नहीं मना किया, यानी कि जब शुरुआती में ऑफर आया था भारत सरकार मना कर देता, आखिरकार भारत को कुछ ना कुछ लोभ था। देखिए दोस्तों भारत को एक ही लोभ था, भारत जानता था कि हमको तो नुकसान झेलना ही झेलना है, जैसे ही फ्री साइन होगा फ्री ट्रेड होगा हमको बड़ा नुकसान होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार क्लियर कह रहा था RCEP को कि देखो भाई जिस तरह तुम्हारा सामान भारत में आ सकता है, कोई भी सामान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर का सामान हो, चीन का कोई बड़े बड़े मोबाइल कंपनियां हो, या फिर कुछ भी हो टेक्निकल सामान कोई भी हो, या फिर जापान से कोई बड़े बड़े TV की हो, कुछ भी आए फ्री में, हम जानते हैं उसका टैक्स हम नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग को एक काम और करना है, RCEP में सर्विस सेक्टर जोड़िए, यानी कि किसी देश का कोई इंजीनियर कहीं कमाने के लिए जा सकता है, किसी देश का डॉक्टर कहीं पर कमाने के लिए जा सकता है, उस पर कोई वीसा नहीं लगेगा, बिंदास वो कहीं पर कमा सकता है। दोस्तों भारत सरकार यही चाह रहा था कि सर्विस का भी, यानी कि सर्विस सेक्टर भी RCEP में ज्वाइन हो, भारत शुरू से ये बात बोल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत ने जब जब ये बात कहा तब तब जापान ऑस्ट्रेलिया और चीन का दोस्तों कान खड़ा हो गया, वो जानता है कि भारत वर्तमान में सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है, जिस दिन भारत के लिए कोई दरवाज़ा खोल दे, भारत का जो एम्प्लॉय है, भारत में जो इंजीनियर डॉक्टर है, वो किसी भी देश में जा के उस देश के तमाम बड़े बड़े कंपनियां में बड़ा बड़ा पद हासिल कर लेगा, CEO बन जाएगा, बड़े बड़े जनरल बन जाएगा, DG बन जाएगा। दोस्तों ये बात समझ में आ गया था, आप कह सकते हैं कि चीन को समझ में आ गया, जापान को समझ में आ गया कि अगर RCEP में सर्विस सेक्टर चालू हुआ, सर्विस सेक्टर जोड़ेंगे तो हमारा कहानी खत्म होगा, हमसे सबसे अधिक कमाएगा भारत, क्योंकि भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तगड़ा है, भारत का इंजीनियर का वैल्यू है। दोस्तों इसीलिए जापान हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सब ने इसे मना कर दिया। दोस्तों भारत चलो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मान गया, बोला ठीक है तुम लोग नहीं चाहते हो कोई बात नहीं। दोस्तों भारत यहाँ पे एक ऑफर दिया, बोला कि देखो भाई तुम लोग जानते हो जापान का इंडस्ट्री कितना आगे है, चीन कितना आगे चला गया है, साउथ कोरिया का इंडस्ट्री कितना आगे है, हमारा पिछड़ा हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम रिस्क तो उठा रहे हैं लेकिन बाय द वे कोई कंपनियां, यानी कि चीन हो, बाय द वे चीन क्या करेगा, कई बार बहुत सारा माल बना के भारत में डंप कर देगा, यानी कि भारतीय कंपनी को बर्बाद करने के लिए चीन क्या करेगा, बहुत सारे सामान बना के भेज देगा, चाहे स्टील का सामान हो या फिर कोई भी फर्नीचर सामान हो, कुछ भी हो बना के भारत में भेज दिया, डंप कर दे और सस्ता में बेचना शुरू कर दे, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन दो, हम उस समय कस्टम ड्यूटी बढ़ा सके, टेरिफ बढ़ा सके, आप कह सकते कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सके, ताकि चीनी सामान का जो डंपिंग है उससे हम रोक सके। दोस्तों भारत ने इस तरह का बातें किया लेकिन ये बात भी कोई नहीं माना। दोस्तों चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, RCEP में ऐसा नियम नहीं है। आप कह सकते कि भारत को सब एक तरफा फंसाने का प्रयास किया था और भारत को सब बर्बाद करने का साजिश रचा था, भारतीय मार्केट पर कब्जा करने का कोशिश किया था। दोस्तों भारत ने यहाँ तक कह दिया था कि चलो भाई ये दोनों बात छोड़ दो,
हमें ये ऑप्शन दो। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर में हमारे देश में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सामान भेजना शुरू कर दे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऑप्शन दो कि हम किसी भी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर सेक्टर रोक सके, न्यूजीलैंड का एग्रीकल्चर सेक्टर रोक सके, ताकि हमारा जो किसान हो बर्बाद ना हो। लेकिन दोस्तों आरसीपी में ये भी नहीं सुना गया। आप कह सकते हैं कि भारत का एक भी बात नहीं सुना गया, और इसीलिए मोदी सरकार 2020 में अनाउंस कर दिया, बोल दिया कि हम आरसीपी ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों दूसरी ओर भारत में तमाम, चाहे राहुल गांधी जी हो या फिर आम किसान हो, दोस्तों सब आरसीपी का विरोध कर रहा था, और भारत का तमाम थिंक टैंक भी कई बार विरोध कर चुका है कि भारत आरसीपी ज्वाइन न करे, भारत का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए भारत सरकार आरसीपी ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन अब वही थिंक टैंक सब दोस्तों फिर मोदी को घेर रहा है, भारत को घेर रहा है, बोला कि भारत ने बड़ा चूक कर दिया, बड़ा मिस्टेक कर दिया। अब आप लोग पूछेंगे आखिरकार भारत के हाथ में क्या सोने का अंडा लगा है। देखिए दोस्तों भारत को ऑलरेडी अब ऑफर आ रहा है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, सब दोस्तों एक FTA ग्रुप बनाया गया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, जिसमें तमाम यूरोप होगा, अमेरिका होगा। और दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत को अमेरिका से फ़ायदा ही हो रहा है। अगर जिस दिन भारत और अमेरिका बीच में फ्री ट्रेड हो जाना दोस्तों, अब देखेंगे अचानक भारत और अमेरिका का व्यापार बूम हो जाएगा। जो सामान हम चीन से खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जो सामान हम जापान से खरीद रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, जो सामान हम साउथ कोरिया से खरीद रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिकन सामान कितना अच्छा होता है, हम लोग अमेरिका का सामान खरीदेंगे और बदले में भारतीय सामान अमेरिका में बिकेगा। दोस्तों अमेरिका और भारत बहुत ही अच्छा मित्र बन जाएगा।